नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस्ट्रॉन पेपर एंड बॉर्ड मिल का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको कितना गेन हो सकता है, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, इनके कॉम्पिटिटर क्या हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। डियर इन्वेस्टर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो वीडियो हैं वो लेटेस्ट आईपीओ से रिलेटेड रहते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूं जो कि पोटेंशियल रखते हैं आगे जा कर के आपको अच्छा गेन देने के, जैसे कि ये एक मल्टी बैगर शेयर्स के बारे में मैंने बताया था और अगले कुछ दिनों में मैं एक और शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में डालता रहता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी जो वीडियोस हैं उनका अपडेट मिलते रहे, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाए। तो अपने इस वीडियो में जो पॉइंट सबसे पहले कवर करूंगा वो रहेंगे, आपको बता दूंगा कि पोटेंशियल गेन आपको लिस्टिंग के दिन कितना हो सकता है, आपको इसको लंबे समय के लिए रखना चाहिए या फिर लिस्टिंग डे के दिन ही निकल जाना चाहिए। आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, आईपीओ की बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इशू साइज कितना है, लॉट साइज कितना है, साथ ही साथ कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, उनका प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कहां कहां पे उनका जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होता है, और साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल्स देखने के बाद हम वैल्यूएशंस भी देखेंगे इस कंपनी की। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के टाइमलाइन के साथ। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है वो 15 दिसंबर को ओपन होगा। इसमें अप्लाई करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर की सेट की गई है। साथ ही साथ इसके बाद जो अलॉटमेंट है वो आपको हुआ है या नहीं ये आपको 22 दिसंबर तक पता चल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका रिफंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 दिसंबर तक हो जाएगा, और इसकी जो लिस्टिंग है एक्सचेंज में वो 28 दिसंबर तक हो जाएगी। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये देखिए, आप देख सकते हैं डेट्स को देख के कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई की फर्स्ट डेट है 15 दिसंबर की और एक्सचेंज होने की तारीख है 28 दिसंबर। लगभग 30 दिनों तक आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है क्योंकि इस आईपीओ के ड्यूरेशन में दो वीकली ऑफ आने वाले हैं, जिसमें से एक रहेगा जिसमें सैटरडे आएगा, संडे आएगा, और फिर जो 25 दिसंबर है क्रिसमस का हॉलीडे रहता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप पैसा लगाएंगे वो लगभग 15 दिनों तक आपका ब्लॉक होने वाला है। आईपीओ की बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इशू साइज से आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही छोटा है इशू साइज का आईपीओ रहने वाला है, मात्र 70 करोड़ का ये जो आईपीओ है इसका इशू साइज है। फेस वैल्यू जो सेट की गई है वो 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की सेट की गई है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो सेट किया गया है वो 45 से 50 रुपये का सेट किया गया है। लॉट साइज जिसमें आपको अप्लाई करना रहेगा वो 280 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। अगर आप इसको अपर बैंड के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग एक लॉट के लिए आपको 14,000 रुपये तक लगने वाले हैं। इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज में होने वाली है। चलिए अब कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी किस एरिया में काम करती है और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट फोलियो के बारे में भी देख लेते हैं। इस कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक गुजरात बेस्ड क्राफ्ट पेपर की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इनका जो मेन बिजनेस है वो क्राफ्ट पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है वो रिसाइकल पेपर को करके बनाते हैं। ये क्राफ्ट पेपर के एरिया में एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड बन चुका है। पिछले 8 सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छा इस्टेब्लिश किया है अपने क्वालिटी के हिसाब से। इनके जो पेपर हैं वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कॉरोगेटेड बॉक्स एंड लाइनर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ कॉरोगेटेड सैक्स एंड कंपोजिट कंटेनर्स जो होते हैं वो बनाने के लिए इनके पेपर बहुत ही हैवीली यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा, वो हलवाड़ में है गुजरात में जो कि स्थित है। इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनके प्लांट की वो करंटली 96,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से इनकी जो कैपेसिटी है वो है। इनके पास एक पल्प मिल भी है जो कि कैपेसिटी जिसकी 400 मेट्रिक टन डेली की है। चलिए अब देखते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कहां कहां पे कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल हैं। तो बताना चाहूँगा करंटली इनका जो सबसे बड़ा मार्केट है वो गुजरात का ही है, जहाँ पे 33% अपने प्रोडक्ट का सेल करते हैं। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से जहाँ 20% जाता है, राजस्थान 12% जाता है,
उत्तरांचल में 8% जाता है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 4% जाता है और बाकी स्टेट्स में ये लगभग 15% अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। अभी आइए इनकी कैपेसिटी और उसके साथ ही साथ यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। करंट जो ईयर था 2016 और 17, उसमें इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 80,000 मेट्रिक टन थी, जिसमें से इनका प्रोडक्शन होता था वो लगभग 63,300 के आसपास का इनका जो प्रोडक्शन होता था, यानी यूटिलाइजेशन जो था लगभग 79% का इन लोगों का जो इंस्टॉल कैपेसिटी था उसका यूटिलाइजेशन ये लोग करते थे। आने वाले सालों में इनका प्लान है कि ये अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ा के अगले साल तक लगभग 1,00,000 मेट्रिक टन तक करना चाहते हैं और उसके अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा के लगभग 1,30,000 मेट्रिक टन तक कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ इनका जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है ये लोग उसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जो कि बढ़ के 82.44% तक करना चाहते हैं। ये दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से इनके आने वाले सालों में रेवेन्यू और जो इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। पॉजिटिव देख लेते हैं, आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जो कि इनको फ्यूचर में जाकर के इनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ने वाला है, यानी कि इंस्टॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग जो इनके प्लांट है वो आगे आने वाले सालों में और बढ़ाने वाले हैं, जिससे इनका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये जो कंपनी है ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जिसकी वजह से इनको बड़ी बड़ी कंपनी जो MNC मल्टीनेशनल कंपनीज रहती हैं उनकी तरफ से भी आगे आने वाले दिनों में ऑर्डर मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। करंटली भी इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। इनका जो प्लान है वो आगे अगले कुछ सालों में सिर्फ वेस्ट इंडिया में सीमित रहने का नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, जो कि है बाहर वाली कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं। तो इस वजह से ऐसा उम्मीद है कि आगे आने वाले साल इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मैंने पिछले 4-5 सालों का इनका जो फाइनेंशियल डेटा है वो आपके सामने निकाल के रखा है कि किस तरीके की इनकी जो परफॉर्मेंस है वो है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 13 में इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 26.7 करोड़ का था और उसमें जो एक्सपेंसेस थे वो लगभग 28.8 करोड़ के थे। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 13 में ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं बल्कि 4.1 करोड़ के लॉस में थी और इवन फाइनेंशियल ईयर 14 में भी इस कंपनी ने लॉस ही दिखाया था। बट करंटली जो फाइनेंशियल ईयर 17 चल रहा है और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 15 के बाद से इनका टर्न अराउंड हुआ था, जहां से इन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया था। करंट फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 184 करोड़ का है, जिसमें इनका टोटल एक्सपेंस जो है वो 176 करोड़ का होता है और जो नेट प्रॉफिट ये लोग बनाते हैं वो लगभग 10 करोड़ के आसपास इनका फाइनेंशियल ईयर 17 में हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। यही चीज़ इनके जो आप अगर शेयर्स रहेंगे उसमें इफेक्ट करेगी। चलिए आप वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 17 के हिसाब से। तो इनका जो अर्निंग पर शेयर बैठता है वो 3.06 रुपीज़ का बैठ रहा है। साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो भी 16.33 का आता है। नेट रिटर्न ऑन नेट वर्थ अगर आप देखेंगे तो वो भी 21.98% की आती है। चलिए अब इनका पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं। करंटली जो लिस्टेड कंपनी है तो उसमें श्री अजीत पल्प एंड पेपर है, साउथ इंडिया पेपर एंड मिल्स, ये दो इनके मेन कॉम्पिटिटर इन्होंने बताए हैं। तो आप अगर पीयर कंपैरिजन के अंदर इनका EPS देखेंगे तो सबसे कम EPS जो है एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल्स का है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो रहता है वो इनकी 16.33 की है, श्री अजीत पल्प की लगभग 20.37 की है, साउथ इंडिया पेपर मिल्स की जो है वो 12.2 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इनका नेटवर्थ के हिसाब से आ रहा है, जो कि 21.98 का है। श्री अजीत पल्प का 2.14% का है, वहीं साउथ इंडिया पेपर मिल्स का जो है वो 9.21% का आता है। दोस्तों अभी तक ये जो थी कंपनी के पूरे प्रोफाइल के बारे में मैंने बताया। चलिए आप देख लेते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको लिस्टिंग डे के दिन कितना गेन होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको बताना चाहूँगा करंटली जो इस IPO का ग्रे मार्केट प्राइस है वो 10 रुपये से 15 रुपये के बिटवीन चल रहा है, यानी कि अगर आप मिनिमम GMP के हिसाब से भी पकड़ते हैं जो कि 10 रुपये है और आपका 280 शेयर्स का एक लॉट है,
एक लॉट अप्लाई करने पे अगर आपको मिल जाता है तो लिस्टिंग देखे दिन लगभग आपको 2800 रुपये का प्रति लॉट प्रॉफिट होने की संभावना है, ये करंट ग्रे मार्केट के प्राइस के हिसाब से। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल कंडीशन और मार्केट की जो कंडीशंस रहती हैं उसके हिसाब से बहुत ही डिपेंडेंट रहता है और हाईली वॉलाटाइल रहता है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और अब 15 दिसंबर जैसे कि इसकी अप्लाई डेट है तो उस दिन आप इसका करंट ग्रे मार्केट प्राइस जान सकते हैं। करंट ग्रे मार्केट प्राइस जानने के लिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं अपडेट डालता रहूँगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो का जो पहला कमेंट रहेगा वो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।